हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। अनब्रेकेबल वाओ, एक ऐसी मैजिकल बॉन्डिंग जो इसे एक्सेप्ट करने के बाद तोड़ता है या जिस काम को लेकर उसने मैजिकल बॉन्डिंग करी है वो पूरा करने में कामयाब नहीं होता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो सेवरस स्नेप अनब्रेकेबल वाओ के लिए कैसे मान गए, उन्होंने अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी? तो पहले बात करते हैं वो मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या था सेवरस स्नेप और ड्रैको की मां के बीच में जो हुआ था। तो दोस्तों, अनिष्ट देव ने ड्रैको को काम सौंपा था एल्बस डंबलडोर को मारने का। अब ये काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है तो ड्रैको की इसमें जान भी जा सकती थी या कोई ड्रैको को भी मार सकता था। तो ड्रैको की मां को ड्रैको की चिंता थी, तो बाकी सारे डेथ ईटर्स को और बेलाट्रिक्स और ड्रैको की मां को यही लगता था कि सेवरस स्नेप जो है वो उनके लिए लॉयल है। तो ड्रैको की मां सेवरस स्नेप से बात करने गई थी कि क्या तुम ड्रैको की सुरक्षा करोगे। वहां पर जब सेवरस स्नेप ने कहा कि हाँ मैं सुरक्षा कर लूँगा, उसके बाद जो है बेलाट्रिक्स ने बोला कि ये बोलेगा तो सही लेकिन जब इसे मौका मिलेगा सुरक्षा करने का या ड्रैको को बचाने का तो ये नहीं बचाएगा, अटूट कसम खाओ। तो बेलाट्रिक्स स्नेप से बोलती है अटूट कसम खाने के लिए, तब वो अटूट कसम खा लेता है और इस अटूट कसम का मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अनिष्ट देव ने काम ड्रैको को दिया है। अगर ड्रैको से करने में नाकामयाब होता है तो वो काम सेवरस स्नेप करेगा, ड्रैको की रक्षा सेवरस स्नेप करेगा, ये इस अटूट कसम में होता है। लेकिन इस अटूट कसम से पहले हमें पता होता है कि डंबलडोर के हैंड में अब कर्स लग चुका है जिस वजह से डंबलडोर की मृत्यु अब एक साल के अंदर होने वाली है। तो डंबलडोर ने सेवरस स्नेप से बोला था उन्हें मारने के लिए, इसलिए जब अटूट कसम सेवरस स्नेप खाता है तो कोई बड़ी बात नहीं थी अटूट कसम को ना मानने की। मीन्स सेवरस स्नेप ऑलरेडी ही डंबलडोर को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन अटूट कसम अगर वो खा लेते हैं तो बेलाट्रिक्स की नज़रों में ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे क्योंकि बेलाट्रिक्स को शुरू से लगता है कि सेवरस स्नेप उनकी तरफ लॉयल नहीं है, वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरफ लॉयल है। और लेकिन वो अटूट कसम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मतलब वो बेलाट्रिक्स का यकीन जीत सकते हैं और अनिष्ट देव का यकीन भी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि बेलाट्रिक्स अगर ये वजह के बताती है अनिष्ट देव को कि सेवरस स्नेप ने ये अटूट कसम नहीं खाई और हो सकता है उसके दिल एल्बस डंबलडोर के लिए कुछ हमदर्दी हो, बेलाट्रिक्स जो है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को भड़का भी सकती थी अगर सेवरस स्नेप अटूट कसम ना खाता तो। लेकिन सेवरस स्नेप ने अटूट कसम खाई क्योंकि सेवरस स्नेप डंबलडोर को मारने के लिए पहले से भी तैयार थे और कसम खा भी ली थी। तो उसके बाद डंबलडोर को भी पता था कि ड्रैको वो बच्चा है जो कि मुझे मारने के लिए भेजा गया है, मतलब ड्रैको को जो है अनिष्ट देव ने चुना है मुझे मारने के लिए। लेकिन एल्बस डंबलडोर को भी पता था कि मैं मरूंगा तो सेवरस स्नेप के हाथों ही। दोस्तों, क्योंकि मूवी में हमें इतना नहीं बताया गया है जितना हमें बुक में बताया गया है, बुक में बेलाट्रिक्स जो है ज़्यादा शक करती है सेवरस स्नेप के ऊपर, लेकिन हमें मूवी में उतना नहीं दिखाया गया है बेलाट्रिक्स के शक के बारे में। तो सेवरस स्नेप इस रीज़न के चलते हुए और ड्रैगो की मां के चलते हुए जो है अनब्रेकेबल वाओ के लिए तैयार हो जाते हैं। और सेवरस स्नेप जो है वैसे भी एल्बस डंबलडोर को मारने ही वाले थे और एल्बस डंबलडोर को मारना भी इसीलिए ताकि अनिष्ट देव का विश्वास जो है सेवरस स्नेप के ऊपर और भी ज़्यादा मजबूत और पक्का हो जाए, तो बेलाट्रिक्स का भी विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत और पक्का हो जाए इस चीज़ के चलते हुए, तो अच्छी बात है ना भाई। और अनब्रेकेबल वाओ करते कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी बात अनब्रेकेबल वाओ की, स्नेप जो है अनब्रेकेबल वाओ के लिए क्यों एक्सेप्ट हो गया। लेकिन मेन मुद्दा आता है कि डंबलडोर के हाथों पर कर्ज था, इस वजह से डंबलडोर की मौत एक साल के अंदर होने वाली थी। बट दोस्तों, डंबलडोर के ऊपर अगर कर्ज नहीं लगता तो क्या सेवरस स्नेप ये अनब्रेकेबल वाओ नहीं करता? तो ये सोचने वाली बात है कि अगर डंबलडोर के ऊपर कर्ज नहीं लगता है, डंबलडोर श्रापित नहीं होते हैं वो अंगूठी पहनने से, तो क्या सेवरस स्नेप इस अनब्रेकेबल वाओ के लिए तैयार होता? तो मेरे हिसाब से फिर भी वो इस अनब्रेकेबल वाओ के लिए तैयार हो भी जाता। मैं आप लोगों को सेवरस स्नेप से रिलेटेड अपनी एक बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन अनिष्ट देव ने लिली और जेम्स को मारा उस दिन सिर्फ लिली और जेम्स ही नहीं मरे थे, स्नेप भी मर गया था जब उसने लिली की डेड बॉडी देखी थी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आप होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और हमेशा की तरह वो एक वर्ड।